प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने और भारत को खेलों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने पर भी कई स्तर पर काम चल रहा है। कल चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में खेलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो और पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है और एशियन खेल और एशियन पैरा खेलों में इतिहास रचा है। सभी भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में देखना चाहते, इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में लगातार बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स में खेलने आए। खेलो इंडिया अभियान आज इसी भूमिका को निभा रहा है। 2018 से अब तक 12 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो चुका है। इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको खेलने का मौका भी दे रहे हैं और नए टैलेंट को सामने भी ला रहे हैं। अब एक बार फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत को शीर्ष खेल राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि देश में लगातार बड़े खेलों का आयोजन हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और जमीनी स्तर से खिलाड़ी चुनकर बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लें। खेलो इंडिया अभियान गांव, गरीब, आदिवासी और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले युवाओं के सपनों को साकार कर रहा है।